आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न होने पर पीड़ित ने एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। दरअसल आपको बता दें कि थाना पागबड़ा क्षेत्र निवासी चांद खान ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया है। दर्ज शिकायती पत्र के मुताबिक पीड़ित चांद खान का आरोप है कि करीब 2 माह पूर्व उसकी पत्नी और उसकी पुत्री के साथ 5 लोगों ने आपत्तिजनक हरकतें की, गाली गलौज की एवं मारपीट भी की थी, जिसके संबंध में थाना पागबड़ा पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 5 आरोपी जाकेत नासिर, जाफर हुसैन, अरबाज व सलमान निवासी बिशनपुर थाना सिविल लाइन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। पीड़ित का आरोपी के मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपियों से हमसाज है और उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस संबंध में पीड़ित चांद खान कई बार थाने पर भी गया, लेकिन वहां से उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने पागबड़ा थाने की पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पीड़ित चांद खान ने आरोप लगाते हुए बताया है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद खान है। चांद खान जी, चांद खान कहाँ से आए आप? हम पागबड़ा से आए हैं भाई साहब। क्या समस्या लेकर आए आप? समस्या है साहब, हमारा एक मुकदमा कायम हुआ था 2 महीना पहले, मुकदमा अपराध संख्या 252/2022 थाना पागबड़ा में दर्ज हुआ था। धाराएं थी 420, 406, 323, 307, 504, 506, 316, 354/ दिन दहाड़े मेरी पत्नी को पैसे मांगने पर रोड पे सरेआम पीटा, अश्लीलता की, बदतमीजी की, अभद्रता की, मेरी बेटी के साथ में, नाबालिग बेटी है मेरी, कक्षा 4 की छात्रा है, उसके साथ में बदतमीजी की और फ़ोन पे गंदी गंदी गाली गलौज की, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मुलजिमानों ने नासिर है, जाकिर है, सलमान है, जाफर है, अरबाज है, रहने वाले बिशनपुर भीमाठेर थाना सिविल लाइंस। घटना कहाँ की है? घटना ये जहाँ हॉलीडे एजेंसी के पास में पागबड़े के साइड में को रास्ता जा रहा है, वहाँ के अंदर की कार में खींच कर उन्होंने हदें पार कर दी। हाँ, मुकदमा कायम हो गया था। मेरी पत्नी के 161 के बयान, 164 के बयान माननीय न्यायालय में हो चुके हैं और TMU में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कह देते हैं कि वो दबिश दे रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ नहीं लग रहे हैं। और मेरी पत्नी का TMU में भी वो हुआ मेडिकल और सरकारी अस्पताल में भी। और 17 तारीख को मैं थाने में अचानक अपनी न्याय हेतु गया तो वहाँ पर मुलजिमान सरेआम नीसू कादियान दरोगा के पास बैठे हुए थे, जिन्होंने सलमान, अरबाज, नासिर और जाफर चारों वहाँ पे मौजूद थे थाने के अंदर। मैंने दरोगा जी से कहा कि साहब इन्हें पकड़ लीजिए आप, हम बहुत परेशान हैं, 2 महीने हो गए हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं पकड़ूंगी, तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी, अगर आला ऑफिसरों से कहा तो मुकदमा बंद कर दूंगी। और मेरे सामने ही टपरिया से नीचे को जहाँ पेड़ खड़ा पिलखन का, उसके नीचे 30,000 रुपये लेके और उन्हें थाने से बाइकों से भगा दिया। आज मैं SSP साहब हेमंत कोठियाल जी से मिलने आया था साहब, मैं अपने मुकदमे की जाँच बदलवाना चाहता हूँ और मैं दोषियों की गिरफ्तारी चाहता हूँ। मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ साहब।